जांच एजेंसी NIA ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI और उससे जुड़े लिंक पर देश भर में छापेमारी की है। टेरर फंडिंग और कैंप चलाने के मामले में जांच एजेंसी ने ये कार्यवाही की है। ED, NIA और राज्यों की पुलिस ने 11 राज्यों में PFI से जुड़े 106 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। जी आपको बता दें कि ANI और PFI के राष्ट्रीय अध्यक्ष OMS सलमान और दिल्ली अध्यक्ष परवेज अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया है। इनमें से कुछ लोगों को NIA ने दिल्ली हेडक्वार्टर लाया है, जहां बताया जा रहा है कि ऐसे में NIA के दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। NIA दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। NIA और राज्यों की पुलिस ने 11 राज्यों से PFI से जुड़े 106 लोगों को अलग अलग मामलों में गिरफ्तार किया है। NIA ने UP, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु समेत कई राज्यों में PFI और उससे जुड़े ठिकानों पर छापेमारी की है। NIA को भारी संख्या में PFI और उससे जुड़े लोगों की संदिग्ध गतिविधियों की जानकारी मिली, जिसके आधार पर जांच एजेंसी आज मैसिव केक डाउन कर रही है। 11 राज्यों में ED, NIA और राज्यों की पुलिस ने 106 लोगों को गिरफ्तार किया है। PFI और उससे जुड़े लोगों की ट्रेनिंग गतिविधियों, टेरर फंडिंग और लोगों के संगठन से जोड़ने को लेकर यह अब तक का सबसे बड़ा एक्शन बताया जा रहा है। आपको बता दें कि जांच एजेंसी ने सबसे ज्यादा केरल से 22 लोगों को गिरफ्तार किया है, उसके बाद महाराष्ट्र और कर्नाटक से 20-20, आंध्र प्रदेश से 5, असम से 9, दिल्ली से 3, मध्य प्रदेश से 4, पांडुचेरी से 3, तमिलनाडु से 10, यूपी से 8 और राजस्थान से 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। अधिकारियों के अनुसार छापेमारी के दौरान गिरफ्तारियां की गई हैं। इनमें से अब तक की सबसे बड़ी कार्यवाही से कहा जा रहा है दिल्ली के शाहीनबाग और गाजीपुर से PFI से जुड़े लोगों की गिरफ्तारी हुई है। इसके अलावा लखनऊ के इंदिरानगर से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। असम पुलिस ने भी प्रदेश से PFI से जुड़े 9 लोगों को हिरासत में लिया है। तमिलनाडु के मदुरै, थेनी समेत कई जिलों में भी छापेमारी की गई। देर रात शुरू हुए ED, ANI और राज्यों की पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन पर केंद्रीय गृह मंत्रालय लगातार नजर बनाए हुए है। हालांकि PFI से जुड़े लोगों पर कार्यवाही के बाद बेंगलोर और मंगलुरु में SDPI और PFI कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन भी किए हैं। आपको बता दें कि NIA ने कराटे टीचर अब्दुल कादिर पर भी शिकंजा कस दिया है। सूत्रों के मुताबिक अब्दुल कादिर और PFI पर आरोप है कि कराटे सिखाने की आड़ में मुस्लिम युवकों को दंगे की साजिश के लिए तैयार कर रहे थे। सूत्र बताते हैं कि गिरफ्तार हुए लोगों के पास हथियार भी बरामद हुए हैं। इन हथियारों का इस्तेमाल ट्रेनिंग में किया जा रहा था। पकड़े गए लोगों से अधिकारी कराटे की ट्रेनिंग और अवैधानिक गतिविधियों के संबंध में पूछताछ कर रहे हैं।